गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे अपना 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जैव उपक्रम। जैव उपक्रम मतलब जीवित रहने के लिए क्रियाएं। तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं हैं जो जीवित रहने के लिए होती हैं, मतलब जैव उपक्रम अलग अलग प्रकार के हैं जिनमें पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, तो ये जैव उपक्रम है। तो हम पहले अपने जैव उपक्रम कुछ पढ़ चुके हैं जिनमें पोषण पढ़ चुके हैं, परिवहन पढ़ चुके हैं। अब जैव उपक्रम जीवित रहने के लिए है और जीवित जो है वे दो ही चीजें जीवित होती हैं, एक पादप होते हैं एक जंतु होते हैं। तो पोषण हमने पढ़ा, पादपों में पोषण भी पढ़ा और जंतुओं में पोषण भी पढ़ा। फिर परिवहन भी हमने पढ़ा, पादपों में परिवहन पढ़ा और मनुष्य में परिवहन भी पढ़ा। आओ हम पढ़ते हैं, आज शुरू करते हैं अपना उत्सर्जन। काम अपने वही करना है, पादपों में भी उत्सर्जन पढ़ना है और जंतुओं में भी उत्सर्जन पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। देखो, प्रत्येक जीवित वस्तु कोशिकाओं से बनती है और प्रत्येक कोशिका कोई ना कोई कार्य जरूर करती है, इसलिए कोशिका को संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्रियात्मक क्यों? क्योंकि शरीर के जितने भी कार्य होते हैं वो कोशिका ही करती है और संरचना मतलब शरीर के निर्माण के लिए भी कोशिका ही आवश्यक होती है। तो कार्य करेगी, जब कोशिका कोई कार्य करती है तो वो कार्य कैसे करती है? कोशिका कोई ना कोई नए पदार्थों का निर्माण करती है। क्यों? क्योंकि बाहर से वो भोजन लेती है, उसको बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन वो सभी चीजों को बाहर से ग्रहण नहीं करती। वो जो बाहर से लेगी उसी से अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा नए नए पदार्थों को बनाएगी। तो जब भी कोई नया पदार्थ बनता है तो साथ में कोई ना कोई अपशिष्ट पदार्थ अवश्य निकलता है। एक उदाहरण के तौर पर जैसे हमने देख लिया कि जब ग्लूकोज टूटता है C6H12O6, जब ये टूटेगा किसमें? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बनता है 6CO2 6H2O और ऊर्जा निकलती है। ठीक है, ये काम इसको तोड़ा किस लिए था? सिर्फ ऊर्जा के लिए, लेकिन ये ऊर्जा तो निकली, साथ में दो अपशिष्ट पदार्थ और निकल गए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये अपशिष्ट है, अब ये काम चलता ही रहेगा कोशिका में, तो कोशिका तो कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएगी, जल से भी भर सकती है। तो इनको बाहर निकालने के लिए भी कोई ना कोई कोशिका में प्रावधान होना चाहिए। इसके अलावा देखो, ये तो इतने हानिकारक नहीं होते, ये तो एक उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा था। बहुत सारे ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनमें दूसरे अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे, नाइट्रोजीनियस पदार्थ, मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें नाइट्रोजन होती है, और कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई अपशिष्ट पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन होती है वो एक जहरीला पदार्थ होता है, मतलब हमारी बॉडी के लिए वो एक टॉक्सिक मटेरियल की तरह काम करता है, तो उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना ही पड़ता है। तो कौन कौन से नाइट्रोजीनियस पदार्थ कोशिका के अंदर बन सकते हैं? जैसे भाई अमोनिया बन सकती है, या यूरिया बन सकता है, या यूरिक एसिड बन सकता है। ठीक है, तो ये इन सभी में नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हमारी बॉडी के लिए होते हैं हानिकारक। तो इन सबको, और ये कब बनते हैं? जब कोशिका कार्य करती है, मतलब सभी जीवित वस्तुओं कोशिकाओं से ही बनते हैं। कोशिका कार्य करेंगी किसके द्वारा? अभिक्रियाओं द्वारा। अभिक्रिया होती है, नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो बीच में कोई अपशिष्ट पदार्थ भी बनता है। तो अब इस अपशिष्ट पदार्थ का जैसे जैसे ये एक्युमुलेट होंगे, बॉडी में जमा होंगे, तो ये हमारी दूसरी क्रियाओं में अड़चन पैदा करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए इनको शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है, और इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालना ही कहलाता है क्या? उत्सर्जन। उत्सर्जन एक होता है निष्कासन। निष्कासन अलग चीज है। निष्कासन क्या था? निष्कासन होता है पाचन के दौरान जो बिना पचे हुए भोजन के पदार्थ कण बच जाते हैं, या भोजन के जो घटक बिना पचे हुए जो हमारे काम के नहीं होते हैं उनको हमारे शरीर से बाहर निकालना, वो कहलाता है निष्कासन। और उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन होता है जो कोशिकाओं में मेटाबॉलिज्म के टाइम, मतलब कोशिकाएं बहुत सारी अभिक्रियाएं कर रही हैं नए नए पदार्थों के निर्माण के लिए, तो उसमें जो चीजें बनती हैं वो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना कहलाता है उत्सर्जन। सिंपल भाषा में अगर मैं पूरी भाषा दूं, शरीर में बनने वाले विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। उत्सर्जन पादप में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं पादपों में उत्सर्जन। ठीक है, क्यों? क्योंकि पादप भी तो कोशिकाओं से ही बनते हैं और जंतु भी कोशिकाओं से ही बनते हैं। तो हम पादपों में उत्सर्जन पढ़ लेते हैं। तो देखो भाई, अब पादप की कोशिकाएं कार्य करती है, हम पढ़ चुके हैं कि जो पत्तों में कोशिकाएं होती है वो करती है प्रकाश संश्लेषण, और अगर वो प्रकाश संश्लेषण करती है तो वो अपने भोजन को बनाती है। कैसे? 6CO2 और 6H2O और बनाएगी C6H12O6, साथ में 6 ऑक्सीजन, ये निकलती है।
ठीक है, ये काम करती है पत्ते की कोशिकाएं, ऑक्सीजन निकली, बनाना क्या था भोजन। देखो जो बना रहे हैं वो अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, वो जरूरी है, वो तो तभी तो बनाया, इसका मतलब ये तो जरूरी है, ये अपशिष्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ में क्या बना ये, तो मतलब क्या है ऑक्सीजन एक अपशिष्ट पदार्थ का काम कर रही है, किसमें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, ठीक है। इसके अलावा पौधा शोषण भी तो करता है, शोषण में क्या करेगा, C6H12 ग्लूकोज टूटेगा, C6H12O6 ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, CO2 6CO2 6H2O और ऊर्जा निकलती है, किस लिए किया ये इसको, किस लिए तोड़ा, इसलिए इसको तोड़ा था ऊर्जा के लिए, लेकिन साथ में निकले क्या, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये दोनों क्या है, ये अपशिष्ट है, मतलब शोषण में अपशिष्ट कौन से निकले, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, प्रकाश संश्लेषण में अपशिष्ट कौन सा निकला, ऑक्सीजन, ये अपशिष्ट है, यहाँ पे ये याद रखना, ऑक्सीजन हमारे लिए अपशिष्ट नहीं है, लेकिन पौधे के लिए ऑक्सीजन एक अपशिष्ट पदार्थ है, शोषण में जो निकला है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये भी इसके लिए अपशिष्ट पदार्थ है। अब ये अपशिष्ट है तो इनको शरीर से निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका पढ़ते हैं। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पौधे के जो अलग अलग भाग होते हैं, जड़, तना, तरह, पत्तियां, वो अलग अलग श्वसन करते हैं, गैसों का आदान प्रदान सभी में अलग अलग तरीके से होता है। तो बात कर लेते हैं हम पत्तियों की, पत्तियों में अपशिष्ट पदार्थ, मतलब पत्तियों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। देखो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक अपशिष्ट पदार्थ का काम करती है और ये बाहर निकल जाती है, किससे, रंध्र द्वारा, छुटकारा पा लिया ऑक्सीजन से, किसके द्वारा, रंध्र द्वारा ऑक्सीजन को बाहर छोड़ दिया। कार्बन डाइऑक्साइड शोषण में बनती है, इसको भी रंध्र द्वारा, CO2 को भी रंध्र द्वारा बाहर छोड़ देगी, पत्तियों ने छुटकारा पा लिया, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, अगर अधिक है। अब दिन में क्या होता है, देखो दिन में जब प्रकाश संश्लेषण होता है, ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण, किसकी उपस्थिति में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब शोषण भी कर रहा है पौधा, शोषण कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्रयोग भी कर रहा है साथ में, कब, किसमें, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। देखो इसमें ये काम किया पौधे की पत्तियों ने, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया, किसने ले लिया, पौधे ने, और जो एक्स्ट्रा और चाहिए वो रंध्र द्वारा ले ली। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये दिन की बता रहा हूं मैं, दिन में जब प्रकाश संश्लेषण होता है, श्वसन तो 24 घंटे चलते रहते हैं, ये क्रिया तो 24 घंटे चलती रहती है, लेकिन जो ये क्रिया है ये सिर्फ दिन में होती है। तो जब दिन में ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी प्रकाश संश्लेषण में, सॉरी श्वसन में, प्रकाश श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो इसका प्रयोग पौधा अपनी इस क्रिया में कर लेगा, लेकिन इससे पूरी भरपाई नहीं होती, बाहर से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो बनाएगा क्या, ग्लूकोज, तो इसमें प्रयोग कर ली दिन में, और ऑक्सीजन छोड़ दी है दिन में। अब ऑक्सीजन छोड़ रहा है वो, तो दिन में क्या हो गए, ऑक्सीजन उसके लिए अपशिष्ट पदार्थ है, तो वो किससे बाहर निकल जाएगी, रंध्र द्वारा, ये होगी बात। रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी, प्रकाश क्या होगा, रात में सिर्फ ये क्रिया होगी, मतलब श्वसन। अब रात में जो उसमें से निकलेंगे वो कौन कौन सी चीजें निकलेंगी, एक तो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, एक निकलेगा जल, और साथ में ऊर्जा तो निकलती है, उसको चाहिए ऊर्जा, उसका प्रयोग कर लेगा। जल और कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट हैं, ऑक्सीजन नहीं निकली, मतलब रात में ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ नहीं होगी, तो होगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकल जाएगी, अब रात में प्रकाश संश्लेषण तो कर नहीं रहा, जो इसका उपयोग कर लेगा, तो अब इसको बाहर ही छोड़ना पड़ेगा, तो ये रंध्र द्वारा इसको बाहर छोड़ देगा। तो इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अगर वो अपशिष्ट के रूप में कार्य करती है तो पत्तियों से निकल जाती है। जो एक्स्ट्रा पानी है, जो जल होता है पौधे के अंदर, वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा निकल जाता है। अधिक जल, अगर पौधे में जल की मात्रा अधिक है तो वह वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा निकल जाता है। इसके अलावा ये होगी जल की बात। अब बात करते हैं हम तने की। ये मैंने सिर्फ पत्तियों में बताया कि पत्तियों में अपशिष्ट पदार्थ किस प्रकार निकाले जाते हैं, मतलब पत्तियां उत्सर्जन किस प्रकार करती हैं। तने में क्या होगा, मैंने बताया था तने में रंध्र होते हैं, दूसरे टाइप, सॉरी मतलब रंध्र नहीं होते, दूसरे टाइप के छिद्र होते हैं, जिनको बोलते हैं लेंटिसल्स, लेंटिसल्स। तो लेंटिसल्स द्वारा वो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, मतलब अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए तो वो ऑक्सीजन इस लेंटिसल्स द्वारा लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्यों, क्योंकि तना जो होता है, तना
वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता तो वो क्या करेगा, लेकिन वो शोषण तो करता ही है, शोषण करेगा तो ग्लूकोज को तोड़ेगा तो ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजन इसके लिए अपशिष्ट नहीं है तने के लिए। ऑक्सीजन अपशिष्ट उन तनों के लिए होती है जिनका रंग हरा होता है, ठीक है, क्योंकि हरे तने जैसे छोटे पौधे जो होते हैं जिनका तना हरा होता है वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो वो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो उनमें रंध्र भी होते हैं उन तनों में, तो रंध्र द्वारा बाहर निकल जाती है। लेकिन जो तने बड़े बड़े से होते हैं, जो ब्राउन रंग के होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके तने में प्रकाश संश्लेषण नहीं होती, लेकिन वो श्वसन अवश्य करते हैं, तो श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा कैसे पाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट होगी उनके लिए, तो वो लेंटिसल्स होते हैं, जैसे तना है, मैंने पहले भी बताया था ये तना है, इस तने में कुछ उबार से होते हैं इस तरह से, यहाँ लूजली पैक्ड सेल होती है, लूज पैक कोशिकाएं होती है जिनमें गैसेस एक्सचेंज होगा, मतलब ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा, इस तरह से लेंटिसल द्वारा तना अपना छुटकारा पाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर बात आती है जड़ों की, जड़ों में भी पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा डिफ्यूजन क्रिया द्वारा, मतलब उसमें रूट हेयर्स होते हैं, मतलब बालों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनसे वह श्वसन जड़े प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, वो क्या करती है, श्वसन करेंगी, ऑक्सीजन लेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ती है मिट्टी में ही, और मिट्टी से ही ऑक्सीजन लेती है, तो इस प्रकार पत्तियां तना और जड़ अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाते हैं पौधे में, ये दो बात होगी। इसके अलावा पौधे क्या करते हैं, देखो मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट इसकी यह पत्ती है भाई, ये पत्ती है, ऊपर इसका कोई फ्रूट है, ये फ्रूट, तो इसके अंदर कोई अपशिष्ट पदार्थ बनता है, कोई सॉलिड अपशिष्ट पदार्थ या कोई घुलनशील पदार्थ बना, जैसे यूरिया बन गया, मान लो उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ यूरिया बन गया, तो ये पौधा क्या करेगा, इस यूरिया को जो इसके लिए हानिकारक है इस पत्ती के अंदर भर देगा, ये जो पत्ती थी इसके अंदर भर देगा, वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा पत्ती के अंदर, या किसमें भर देगा, इसके अंदर स्टोर कर देगा, तो पौधा अपने अपशिष्ट पदार्थों को पत्ती में या फलों के अंदर संचित कर देता है, और कुछ टाइम के बाद ये पत्ती यहाँ से टूट के गिर जाती है और फ्रूट भी टूट के नीचे गिर जाएगा और वो अपशिष्ट पदार्थ पौधे से निकल जाता है। एक मेथड ये अपनाते हैं पौधे, और कौन सा तरीका अपनाते हैं, पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को गोंद और लार के रूप में भी निकालते हैं, जो इसमें से रेजिन, मतलब पौधों को आपने अगर पेड़ों को देखा होगा तो उसमें से गोंद निकलता रहता है और रेजिन मतलब एक लार सी निकलती रहती है, कुछ पौधे छोड़ते हैं, सभी पौधे नहीं, तो गोंद के रूप में और लार के रूप में भी अपने अपशिष्ट पदार्थों को वो छोड़ देते हैं। तो ये अलग अलग तरीके अपनाते हैं पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए। इसके अलावा और भी तरीका है, कैसे, मैंने बताया कि अपशिष्ट पदार्थों को पत्तियों में संचित कर देगा, फलों में संचित कर देगा, या पौधे के ऊपर एक छाल सी होती है, इस छाल में भी संचित कर देता है, कुछ टाइम के बाद ये छाल अपने आप टूट टूट के नीचे गिरती रहती है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ भी साथ में निकल जाएंगे। तो कौन कौन से तरीके अपनाए पौधे ने अपने अपशिष्ट पदार्थों को निकालने के लिए, मतलब उत्सर्जन के लिए पौधे ने कौन कौन से तरीके अपनाए, गैसियस पदार्थों के उत्सर्जन के लिए तो उसने अपनाया रंध्र को और लेंटिसल्स को, जो दूसरे अपशिष्ट पदार्थ थे जो जल में घुलनशील हो सकते हैं, ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके लिए उसने उनको भर दिया पत्तियों में या फलों में या फिर छाल के अंदर, कुछ टाइम के बाद वो छाल पत्तियां और फल टूट के गिर जाएंगे और वो सारा का सारा अपशिष्ट पदार्थ पौधे से निकल जाएगा। अगर इसमें अत्यधिक जल अपशिष्ट पदार्थ का काम करता है तो वो अत्यधिक जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार पौधे में होता है उत्सर्जन अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा पाना, मतलब बाहर निकालना। तो ये अलग अलग मेथड अपनाते हैं पौधे उत्सर्जन के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं किसमें, जंतुओं में उत्सर्जन। तो हम शुरू करते हैं जंतुओं में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन भी पढ़ना है, लेकिन उससे पहले जो दूसरे जंतु होते हैं
वो उत्सर्जन का कार्य किस प्रकार करते हैं। तो हम बात करते हैं एक कोशिक जीवों की। देखो जैसे जैसे जीवों का निर्माण हुआ है, जीवों का निर्माण मतलब अगर हम इवोल्यूशन को देखें, मतलब पुराने समय से जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो सबसे पहले इस धरती के ऊपर एक कोशिकीय जीव बना होगा। उसके अंदर उत्सर्जन के लिए कोई अंग नहीं था क्योंकि एक ही कोशिका थी। उसके बाद बहुकोशिकीय जीव बने लेकिन उत्तक नहीं बने होंगे। उसके बाद उत्तक बने, अंग नहीं बने होंगे। उसके बाद अंग बने, अंग तंत्र नहीं बने होंगे। फिर अंग तंत्र बना और उसके बाद सबसे जटिल जीवों का निर्माण हुआ। सबसे सिंपल जो जीव थे, मतलब सबसे साधारण जीव जो इस धरती पे आए थे, वो थे एक कोशिक जीव। वो आज भी हैं उस तरह के जीव, आज भी हैं, मतलब एक कोशिक जीव अभी भी हैं। धीरे 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 धीरे, अब देखो एक कोशिक जीव के अंदर कोई अंग नहीं है, जब उससे बहुकोशिक जीव बने फिर उससे अंग बने हुए, तो अंग क्या है? अंग विशिष्ट पार्ट है, मतलब कोई विशिष्ट चीज है जो एक विशिष्ट कार्य करती है। तो अंगों का निर्माण, जैसे हमारे शरीर में विशिष्ट अंग है अलग अलग काम करने के, जैसे हृदय है। अब एक कोशिक कोशिका जो एक कोशिक जीव है उसमें एक ही कोशिका, क्या उसमें हृदय हो सकता है? नहीं, उसमें कोई हृदय नहीं है। तो वो है, लेकिन वो काम तो कर रही है ना, क्योंकि कोशिका सभी काम करती है, वो भी एक सेल्फ यूनिट है। जैसे हम एक सेल्फ यूनिट है तो एक कोशिका भी सेल्फ यूनिट है, तो उसमें उत्सर्जन का काम कैसे होता है? उसके बाद बहुकोशिक जीव जिनमें अंग नहीं बनते उनमें उत्सर्जन का काम कैसे हुआ होगा या होता है? क्यों, ऐसा नहीं है कि धरती पर वो जीव नहीं है, वो एक कोशिक जीव अभी भी है। और ऐसे जीव जिनमें उत्तक नहीं है, बहुकोशिक तो है लेकिन उत्तक नहीं है, वो अभी भी है। और जिनमें सिर्फ उत्तक है वो अभी भी है। और हम जैसे जीव भी है जिनमें अंग तंत्र है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं भाई, देखो इतनी लंबी स्टडी तो 10th क्लास में नहीं है कि हम सभी जीवों का अध्ययन करेंगे कि किस में कौन सा उत्सर्जन तंत्र है, लेकिन एक कोशिक जीव के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे अमीबा होता है, अमीबा जो जीव है, पहले भी बता चुका हूँ, ये यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं अमीबा के अंदर। यूकैरियोटिक और एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर हम वैसे तो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता लेता हूँ। प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी होती है जिसमें कोशिका के अंग नहीं होते। प्रो का मतलब होता है प्राइमिटिव एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स प्राइमिटिव, प्राइमिटिव और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब ऐसी कोशिका जिसका न्यूक्लियस प्राइमिटिव टाइप का है, मतलब बहुत साधारण या बहुत ही सिंपल, या ये कह लो कि जिसमें न्यूक्लियस है ही नहीं उसको। लेकिन न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस नहीं का मतलब होता है कि बस इसमें न्यूक्लियस, ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, केंद्रक झिल्ली, वो नहीं होती। इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, डीएनए तो इसमें जरूर होती है। और जो बाकी कोशिका के अंग होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम तो होते हैं, अंतःद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी काय, ये जो कोशिका अंग होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते। तो अमीबा जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है, वो यूकैरियोटिक है। वो एक कोशिक तो जरूर है लेकिन उसकी कोशिका यूकैरियोटिक है, मतलब उसमें केंद्रक मिलता है, ये झिल्ली साथ में मिलेगी, डीएनए इसके अंदर होता है। इसके अलावा सारे कोशिका के अंग होते हैं इसमें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, गोल्जी काय भी होता है और अंतःद्रव्य जालिका भी होती है। अब यह उत्सर्जन का कार्य कैसे करता है, पहले मैं इसके पोषण में बता चुका हूं कि यह पोषण जब करता है तो इसी कोशिका झिल्ली द्वारा ही यह सभी अपने पोषक तत्वों को बाहर से ले लेगा, सिर्फ मिश्रण विधि द्वारा। बाहर ऑक्सीजन है उसको ये कहीं से भी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है, क्योंकि इसकी कोशिका झिल्ली परमिएबल होती है। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, जल के लिए। और भोजन कहाँ से लेता है? भोजन ये लेता है, फैगोसाइटिक मेथड होता है, मैं बता चुका हूँ कि ये उसके अपने पादप द्वारा उसको अंदर ग्रहण करता है। पोषण का तरीका बता दिया मैंने। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेगा? वो तो मिश्रण विधि द्वारा ले लेगा। बाहर जल में ही रहता है तो जल में ऑक्सीजन अधिक होती है, तो सीधी ऑक्सीजन चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देगा। अब जब इसमें अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं तो इसमें अपशिष्ट पदार्थ वो सीधे इसकी कोशिका से बाहर नहीं आ सकते, तो वो कैसे आएंगे? तो इसके पास एक खास कोशिका अंग है जिसको बोलते हैं
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्ट संकुचित रिक्ति का, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब है ये एक ऐसी थैली समझ लो, इसको एक ऐसी थैली है जो इसके शरीर में से, शरीर तो होता ही नहीं, इसकी कोशिका में से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा कर लेगी, सारे अपशिष्ट पदार्थ, और फिर इसको बाहर जाकर छोड़ देगी। इसको बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक, वैक्यूल मतलब होता है भाई रिक्ति का, कॉन्ट्रैक्टाइल ये कह सकते हो कि संकुचन रिक्ति का, इसके अंदर होती है अमीबा के अंदर, सिर्फ इसके अंदर नहीं बहुत सारे एक कोशिक जीवों के अंदर होती है, वो ऑस्मोरेगुलेशन का काम भी करती है, मतलब क्या अंदर कितना जल होना चाहिए, जल की कितनी मात्रा होनी चाहिए उसको भी ये निश्चित करती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये कह सकते हो कि अमीबा में उत्सर्जन का कार्य कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब संकुचन रिक्ति का। अगर हम बात करें इससे आगे, जैसे लीच की बात करें, जोंक जो होती है जो पानी में रहती है, या अर्थवर्म की बात करें, केचुआ जो होता है उसमें उत्सर्जन कैसे होता है, उसमें किडनी वगैरह तो नहीं होती लेकिन उसमें एक ट्यूब जरूर होती है, ट्यूब उसको बोलते हैं नेफ्रीडिया, उस नेफ्रीडिया से वो उत्सर्जन करती है, मतलब अपने अपशिष्ट पदार्थों को बाहर छोड़ती है। अगर हम देखें, एक होता है भाई जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, चपटे कृमि, वो उत्सर्जन कैसे करते हैं, चपटे कृमि ऐसे जीव होते हैं भाई जिनमें सबसे पहले अंगों का निर्माण शुरू होता है, उससे पहले किसी जीव में अंग नहीं होते, मतलब अगर हम जीवों की उत्पत्ति करें तो सबसे पहले पोरीफेरा होता है, मतलब ग्रुप है, नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं पोरीफेरा, फिर सेलेंट्रेटा, फिर प्लेटी एलमंथीज, प्रेस्के एलमंथीज, इस प्रकार से। तो पोरीफेरा में तो सिर्फ कोशिकाओं का समूह होता है और कुछ नहीं है, जो सेलेंट्रेटा होता है उसमें भी कोशिकाओं का समूह लगभग होता है, बस थोड़े बहुत जैसे एक्टोडर्मिस एंडोडर्मिस उत्तक बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो प्लेटी एलमंथीज होते हैं उसमें फ्लेम सेल बन जाती है, फ्लेम सेल एक ऐसा अंग होता है उनमें जो उत्सर्जन का कार्य करता है, फ्लेम सेल, याद रखना ये बात। ठीक है, तो अलग अलग समूह जितने भी है, ये पोरीफेरा, एस्के एलमंथीज, प्लेटी एलमंथीज और एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, बर्ड्स और ये जो मैमल्स, मैमल्स तो हम खुद भी हैं, तो हमारे अंदर कैसे उत्सर्जन होता हो तो हम बाद में पढ़ेंगे, मैं दूसरे जीवों की बात कर रहा हूँ। जैसे बर्ड्स में हम बात करें, बर्ड्स में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, बर्ड्स में उत्सर्जन के लिए उसमें होता है भाई क्लोइका होता है, क्लोइका, उसमें जो वेस्ट मटेरियल मतलब जो उनका फिकस मटेरियल होता है ना, फिकस मटेरियल मतलब जो पाचन के दौरान निकलता है वो भी, और उनका जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वो भी एक गड्ढे में आके इकट्ठा हो जाता है, ये समझ लो जैसे कि बर्ड्स है कोई, जैसे कोई ये बर्ड है, इसमें कोई ये तो उसकी आंत से निकला हुआ वेस्ट पदार्थ है, इसमें ये यहाँ पे एक ऐसे है, जैसे मेन होल होता है ये समझ लो, जैसे हमारे घरों में बहुत सारे पाइप हैं, एक किचन का गंद लेके गया, एक बाथरूम का गंद लेके गया और वहाँ पर वो एक होल में जाके खुल गए हैं, ऐसा ही इसमें होता है, जैसे इसमें ये आंत वाला ओपनिंग है और एक इसकी जो यूरिन वाली ओपनिंग है, हालांकि यूरिन नहीं छोड़ते बर्ड, लेकिन ओपनिंग वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए, एक एक जगह आके खुल जाते हैं दोनों, इस चीज को बोलते हैं क्लोइका, सिर्फ बर्ड्स में नहीं होती दूसरे जीवों में भी होती है ये क्लोइका, ये तो इस क्लोइका से ये उत्सर्जन करते हैं, बाहर छोड़ते हैं क्लोइका द्वारा। और बर्ड्स में अब कौन सा जीव कौन सा अपशिष्ट पदार्थ छोड़ता है वो निर्भर करता है पानी की मात्रा पे, कि उसके शरीर में कितना पानी है, जिनको पानी भरपूर मात्रा में अवेलेबल होता है वो छोड़ते हैं अमोनिया, और अमोनिया छोड़ते हैं वो, और जिनमें पानी मॉडरेट अमाउंट में मिलता है, जैसे हमारे हम पानी में तो नहीं रहते लेकिन हमारे पास पानी की कमी नहीं है, हम जब मर्जी चाहे पानी पी लेते हैं, तो हम अपने अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ते हैं यूरिया की फॉर्म में, यूरिया जो यूरिन हम करके आते हैं ना बाथरूम जाते हैं उसमें यूरिया होता है, तो यूरिया की फॉर्म में हम छोड़ते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें पानी की मात्रा कम, मतलब जिनको पानी कम मिलता है, या ये कह लो कि उनमें बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो उसको अपशिष्ट पदार्थ को ठोस के रूप में छोड़ते हैं, एक
व्हाइट व्हाइट सा पदार्थ वो छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं यूरिक एसिड। जैसे मैंने लिखा था स्टार्टिंग में कि अपशिष्ट पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं भाई, जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं, एक अमोनिया, एक यूरिया और एक यूरिक एसिड। तो बर्ड्स जो होते हैं और इंसेक्ट जो होते हैं, वो जैसे कभी आपने अगर दीवार पर चलती हुई छिपकली को देखा हो, तो जब वो ऊपर से कुछ व्हाइट व्हाइट सा मटेरियल छोड़ देती है तो वो क्या होता है, वो यूरिक एसिड होता है। इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट और बर्ड्स जो वाइट वाइट सा, जो देखो जब कोई पक्षी गंदगी डालता हो ऊपर से तो वाइट वाइट सी होती है, तो वो क्या है, वो यूरिक एसिड होता है। ठीक है, उसमें यूरिक एसिड मिला होता है। तो ये हो गया अलग अलग जीवों में अपशिष्ट पदार्थ किस प्रकार का बनता है। ये मैं वैसे जनरली बता रहा था आपको, क्योंकि मैं मनुष्य में उत्सर्जन इसलिए शुरू नहीं कर रहा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये जो कंसेप्ट हैं, ये थोड़े बहुत जो मैंने बताए इनको याद रखना, और मनुष्य में उत्सर्जन हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मनुष्य में उत्सर्जन हम आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।